आज डिस्कस करेंगे क्लैंपिंग डिवाइसेस के बारे में। जो मेनली आज जो टाइप हैं हम डिस्कस करेंगे वो है सी क्लैंप और टूल मेकर क्लैंप के बारे में। ये दो टाइप डिस्कस करेंगे जो कि क्लैंपिंग डिवाइस में आते हैं, कि इनके जो पार्ट हैं वो कौन कौन से होते हैं, इनका यूज़ क्या होता है, इनका जो मटेरियल है वो हम कौन सा चूज़ करते हैं, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो क्लैंपिंग डिवाइसेस क्या होते हैं? किसी जॉब को होल्ड करना, पकड़ना जिसको हम कह सकते हैं, अच्छी तरह से पकड़ना, उसको कैच करना, क्लैंप उसको बोल देते हैं कि क्लैंप कर लिया है या होल्ड कर लिया है, उसको पकड़ लिया है, तो उसको हम क्लैंपिंग डिवाइसेस बोलते हैं जो इस तरह के काम में लाए जाते हैं। तो आज जो बात करेंगे सी क्लैंप की और टूल मेकर क्लैंप की, तो इधर हमने बनाया है ये सी क्लैंप है। सी क्लैंप, इसको सी क्लैंप क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए जो इसकी शेप है वो जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होता है सी, उसकी उसकी तरह का है, तो इसलिए इसको सी क्लैंप बोला जाता है। इसको सी के अलावा और क्या क्या बोला जाता है? इसको जी क्लैंप भी बोला जाता है, क्योंकि अगर आप इसको इन्वर्ट कर दें, जैसे ये ऐसे पड़ा है तो ऐसे कर दें, तो ये स्मॉल जो लेटर होता है जी उसकी तरह का होता है, जो स्मॉल लेटर होता है इंग्लिश का जी उसकी तरह का होता है अगर हम इसको लें इस तरह से, तो इसलिए इसको जी क्लैंप भी बोला जाता है। तो इसको कुछ भी आप बोल सकते हैं, सी क्लैंप भी बोल सकते हैं और जी क्लैंप भी बोल सकते हैं, वैसे इसे कैरिएज क्लैंप भी बोला जाता है। इसका जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए ये है फ्रेम, ये फ्रेम है। ये जो फ्रेम है ये मेनली अगर हम बात करें तो कास्ट आयरन का बनाया जाता है, लेकिन इसको बहुत सारे मटेरियल्स का और भी बनाया जा सकता है, जैसे स्टील का भी इसको बनाया जा सकता है। केस हार्डन जो स्टील की जाती है, हीट ट्रीटमेंट करके स्टील का बनाया जाता है। तो और जो ये रोड होती है, जो ये स्क्रू है, या आप इसको स्पिंडल बोल लीजिए या स्क्रू बोल लीजिए, ये जो रोड है ये हमारी होती है माइल्ड स्टील की। माइल्ड स्टील की रोड के ऊपर थ्रेड को काटा जाता है और ये हैंडल यहाँ पे लगाया जाता है, ये हैंडल है, हैंडल जिसकी हेल्प से इसको घुमाया जाता है। तो इस जो ये रोड है ये माइल्ड स्टील की बनी होती है, उसके ऊपर ये थ्रेड कटे होते हैं। तो अगर आप और कोई रोड भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, तो वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वेरी करता है, चेंज होता है कि आपको कौन सा मटेरियल यूज़ करना है। तो मेनली अगर हम बात करें तो ये कास्ट आयरन का फ्रेम होता है और माइल्ड स्टील की रोड होती है। तो इसके यहाँ हैंडल लगा होता है जिसकी हेल्प से जब हम इसको रोटेट करते हैं तो यहाँ पे जो ये जा है ये मूवेबल जा होता है, जो मूव करता है, तो इसको हम मूवेबल जा बोलते हैं। ये हमारा फिक्स जा होता है जो कि फिक्स रहता है, ये मूव नहीं करता। तो इसकी हेल्प से जब ये रोड अंदर बाहर जाएगी तो ये जा आगे और पीछे मूव करता है, उसके बीच में फिक्स जा और मूवेबल जा के बीच में वर्क पीस को होल्ड कर लिया जाता है। तो वर्क पीस को होल्ड करने के ये काम आता है मेनली, ये वुड वर्किंग में, मेटल वर्किंग में, अगर कहें तो लिमिटेड यूज़ नहीं है, कहीं भी हम इसको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो वुड वर्किंग है अगर इसकी बात करें तो ये जब हम ग्लूइंग करते हैं तो दो फ्लैट फेसेस को पकड़ने के काम आता है, जब जैसे हमने ग्लू कर दिया तो उसको दबा के रखने के काम आता है ताकि वो अच्छी तरह से चिपक जाए, या फिर जब हम वेल्डिंग करते हैं छोटे पार्ट्स पे तब भी ये काम आता है उनको दबा के रखने के। तो काफ़ी तरह के इसके यूज़ होते हैं सी क्लैंप के। इसी तरह से दूसरा है हमारा टूल मेकर क्लैंप। ये है टूल मेकर क्लैंप। ये जो क्लैंप है हमारा, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ये टूल मेकर क्लैंप, यहाँ पे देखिए हमारे पास जा है, इसको हम अपर जा बोल देते हैं, अपर जा। ये है लोअर जा। अब इसके अंदर देखिए जो अपर जा और लोअर जा है ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल मतलब इस तरह से है, तो इस तरह से जॉब को पकड़ने के काम आते हैं, इस तरह से ये मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पे लगा है सेंटर स्क्रू, इसको हम सेंटर स्क्रू बोलते हैं क्योंकि ये सेंटर में लगा होता है दोनों के, तो ये सेंटर स्क्रू है, सेंटर स्क्रू इसको हम बोल देंगे। तो ये क्या काम आएगा? जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये इन दोनों को क्लोज लेके आएगा, पास में लेके आएगा। और ये है आउटर स्क्रू, इसको हम आउटर स्क्रू बोल देते हैं, आउटर स्क्रू। आउटर स्क्रू का काम क्या है कि जैसे यहाँ पे दिखाया गया है लोअर जा से कनेक्ट है और अपर जा से कनेक्ट है यहाँ तक, तो ये किस काम आता है? जब हम इसको टाइट करते हैं तो ये यहाँ से जब इस पर फोर्स करता है तो ये इसको टाइट पकड़ने के काम आता है, जो भी इसके अंदर वर्क पीस हम यहाँ पे हेल्ड करेंगे। तो अगर यहाँ पे ये वर्क पीस है कोई भी, मान लीजिए ये वर्क पीस है,
तो जब इसको हम क्लोज लाएंगे इसकी थ्रू और इसकी हेल्प से इसको टाइट कर देंगे, तो अच्छी ग्रिपिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एक स्प्रिंग भी लगा होता है, यहाँ पे एक स्प्रिंग भी लगा होता है जो कि इसकी जब हम इसको लूज़ करते हैं तो इसकी मूवमेंट को में हेल्प करता है। तो यहाँ पे स्प्रिंग भी लगा होता है। तो ये जो स्क्रूज़ हैं इनकी हेल्प से और इन जार्स की हेल्प से हम किसी वर्क पीस को यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। ये मेनली कहाँ पे काम आता है, ड्रिलिंग के अंदर। अगर हमें ड्रिलिंग करना है, कोई छोटे वर्क पीस के अंदर होल करना है, ड्रिलिंग के अंदर, टैपिंग के अंदर, टैपिंग के अंदर भी काम आता है, या फिर कोई भी बोरिंग करनी है उसके अंदर भी काम आता है, कोई भी और तरह की मशीनिंग जो प्रोसेसेस है उनमें काम आता है, तो उस तरह के जॉब्स के लिए ये काम आता है। इसका भी कोई लिमिटेड यूज़ नहीं है, हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इसका यूज़ कर सकते हैं। जो इसके जा होते हैं ये केस हार्डन स्टील के बने हो सकते हैं, और ये स्क्रूज़ जो हैं ये माइल्ड स्टील की रोड हो सकती हैं। ये जो स्क्रूज़ हैं माइल्ड स्टील की रोड हो सकते हैं, जिस तरह से इसके अंदर था उसके ऊपर थ्रेड कटे हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इसका मटेरियल चेंज होता रहता है, लेकिन मेनली जो है स्टील जो प्रेफर की जाती है, जो केस हार्डन स्टील है वो प्रेफर की जाती है, ताकि इसके ऊपर जंग ना लगे, लॉन्ग टाइम के लिए ये चले और अच्छा ये एफिशिएंसी के साथ काम करे। तो इसका भी जो मटेरियल है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट चेंज हो सकता है, लेकिन जो मेन है वो केस हार्डन स्टील का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। स्टील को ही ट्रीटमेंट करके उसका मटेरियल, उसके मटेरियल से इनको बनाया जाता है। तो ये हैं हमारे सी क्लैंप और टूल मेकर क्लैंप, जो कि क्लैंपिंग में काम आते हैं, और हैंड टूल भी हम इनको बोल सकते हैं क्योंकि हैंड की हेल्प से भी हम लगभग इनको टाइट कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।